हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आज है सप्तमी, सबको मेरी तरफ से शुभ सप्तमी। पूजियों में सब लोग बहुत इंजॉय करिए और बहुत बहुत सारा फन और अच्छे से घूमिए। तो आज गए थे जादवपुर में। जादवपुर में आज आपको दिखाएंगे पांच छह अच्छा अच्छा पैंडल। जो पहले पैंडल है ये है संतोषपुर लेक पोल्ली, जो ज़्यादा लाइन नहीं था। यहाँ पर बेसिकली जो पैंडल ये लोग ने बनाया है वो आपका हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करके बनाया है। आपको पहले ऊपर से सीढ़ी होके जाना पड़ेगा, या किसी का पाँव में दिक्कत होगा तो नीचे से भी जा सकते हैं डायरेक्टली। तो पैंडल का लुक कुछ आपको सीढ़ी से ऊपर जाने के बाद दिखेगा ऐसा, जो लुक वाइज फुल्ली यूनिक है। हिस्ट्री कल्चर के ऊपर ये लोग फुल्ली बनाया है आपका कॉन्सेप्ट, जो आपका बुद्ध दीप देखने को मिल जाता है फुल्ली। बेसिकली हिस्ट्री साइंस ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करके ये पेंडल पूरा बनाया गया है। देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। वैसे तो मुझको ये कौन सा थीम के ऊपर बनाया है वो मुझे पता नहीं, लेकिन देख के मुझे यही लग रहा है। जो कॉन्सेप्ट ये लोग ने बनाया है देख के बहुत बढ़िया लग रहा है, यूनिक लग रहा है। लग रहा है मैं दूसरा कोई कंट्री में हूँ अभी, वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग देख रहा हूँ। लेकिन ये हम लोग का कोलकाता ही है, ये सबसे अच्छा अच्छा पैंडल ये लोग बनाते हैं। और यहाँ पर मूर्ति भी बहुत बढ़िया था दिखने को। हर जगह आपको, आप कहीं पर भी जाइए, यूनिक आपको पैंडल दिखने को मिल जाएगा। आपको यूनिक यूनिक माँ दुर्गा का मूर्ति दिखने को मिल जाएगा, हर कुछ यूनिक यूनिक मिल जाएगा। और इतना सारा पैंडल है, आप ये 4 से 5 दिन के अंदर कौन सा देखे आप भी सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि इतना सारा बढ़िया बढ़िया पैंडल, ऊपर से इतना लाइन। एक एक पैंडल में आप इस टाइम में जाएंगे, बड़ा बड़ा पैंडल में 3-4 घंटा तो आपको लाइन में धक्का धक्की करना ही पड़ेगा। तो ये पैंडल ख़त्म होने के बाद हम लोग अभी जा रहा है त्रिकोण पार्क, बोटतला त्रिकोण पार्क। ये वहाँ से मतलब आपका जो जादवपुर लेक पोल्ली है वहाँ से त्रिकोण पार्क का डिफरेंस है सिर्फ 10 मिनट। तो लाइन में 10 मिनट रुकने के बाद अब आपको दिखाएंगे त्रिकोण पार्क। ये जो पैंडल है ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर बेस करके ये पंडल जो है फुल्ली बनाया गया है, जो आप लुक एक बार देख सकते हैं। अंदर का लुक बेसिकली फुल्ली रेडिश कलर के साथ आ रहा है, जो दिखने में लग रहा है बहुत बढ़िया। बहुत यूनिक यूनिक चीज़ आपको जहाँ पर दिखने को मिल जाता है वो लोग फुल्ली ये पैंडल के थ्रू अंदर में आपको दिखने को मिल जाता है। जो अंदर ऊपर का जो फूल है, जो डिज़ाइन बनाया है वो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होता रहता है पार्ट बाय पार्ट। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल जाता है, जैसे कि बहुत सारा बुक वगैरह है, वॉल में पेंटिंग किया हुआ है। जैसे जैसे आपको दिखाना चाहिए वो लोग पूरा कोशिश कर रहा है आपको सब कुछ दिखाने का। तो लुक वाइज बहुत बढ़िया है, पैंडल का कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ ये लोग इतना सुंदर करके सजाया है, क्या ही बोलूं। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कितना सुंदर करके ये लोग ये वॉल में पेंटिंग वगैरह बनाया है। उसके साथ साथ पैंडल का कलर इतना अच्छा लग रहा है लाइट में, मतलब रात के अंधेरे में अंदर का लाइटिंग इतना बढ़िया है। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी ये 4 दिन बहुत भीड़ होता है। उसके साथ साथ ऊपर का कॉन्सेप्ट देखिए कितना सुंदर करके घूम रहा है, और कलर इफेक्ट बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ माँ का दर्शन भी हो गया, कितना सुंदर लग रहा है माँ। तो पैंडल बहुत बढ़िया था। इसके बाद आपको आता है एवेन्यू साउथ। ये जो 3 पैंडल है, ये 3 पैंडल का दूरी आपका सिर्फ 5 से 10 मिनट पैदल चलना पड़ता है। साउथ एवेन्यू का पैंडल भी हर बार बहुत बढ़िया करता है, ये थोड़ा अंदर का दिखने होता है। और लुक वाइज हर बार की तरह इस बार भी बढ़िया बनाया है, छोटा भी नहीं बनाया है, जो भी बनाया है अच्छा बनाया है। ये बेसिकली आपको रिश्ते का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल जाता है,
जो दिखने में मिल जाता है बहुत बढ़िया लुक, हर बार की तरह इस बार भी बहुत बढ़िया बनाया है ये लोगों ने। आप देख लीजिए एक बार, लुक वाइज बहुत बढ़िया है। और ऊपर का आप हम लोगों का जो कोलकाता का ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज टैक्सी, ये भी आपको दिखने को मिल जाता है। और साइड में पेंटिंग वगैरह भी आपका किया हुआ है। और यहाँ पर आपको चाका भी दिखने को मिल जाता है, फोर व्हीलर जो टैक्सी होता है उसका। यहाँ पर स्कूटी का पेंटिंग बनाया है, मतलब पेंटिंग का काज बहुत बढ़िया किया है। इस साइड मेट्रो रेल, मतलब कोलकाता के अंदर जो जो स्पेशलिस्ट ऐतिहासिक जो है सब कुछ ये पकड़ाया है। उसके साथ साथ माँ का मूर्ति भी बहुत सुंदर था और माँ का दर्शन भी हो रहा है, इतना बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि इसके बाद फिर से 1 ईयर वेट करना पड़ेगा माँ का दर्शन के लिए। इसके बाद हम बास पकड़ के चले गए थे शुलेखा में। शुलेखा जो मोड़ होता है वहाँ पर ही हर बार की तरह इस बार भी बहुत सुंदर पैंडल बनाया है। एक बार देख सकते हैं, ऊपर महाकाल है, उसके नीचे उसका नंदी है, जो लुक को कर रहा है और भी बेहतरीन। और यहाँ पर आपको शिवलिंगो देखने को मिल जाता है, हर हर महादेव। और यहाँ पर मेंशन है तोरुण साथी, जो लुक इतना बढ़िया बनाया है क्या ही बात बताऊँ। ये पैंडल देख के तो मुझको बहुत ही बढ़िया लगा। उसके साथ साथ अंदर देखिए, इतना रेडिश कलर का है अंदर लुक, तो वाव। उसके साथ साथ ऊपर घंटा भी आप बजा सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट ये लोग यहाँ पर बनाया है। इतना सुंदर, इतना लालम लाल, ओह जस्ट वाव। उसके ऊपर ये लोग जिस कलर का माँ का मूर्ति लाए हैं, कलर देखिए जस्ट, या लग रहा है कलर इतना बढ़िया लग रहा है क्या ही बोलो। आप लोग चाहे तो ये सब पैंडल इजीली खरीद सकते हैं, ये सब लोकेशन में आप जाके माँ का दर्शन इजीली कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, ऐसा वीडियो और भी आता रहेगा।